प्यारे बच्चों, आज आपकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो आपकी पहला पाठ है वो एक कविता है हिमालय, और जिसके कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, उसे हम पहले पढ़ेंगे। पहले हम आपके लिए पूरी कविता एक बार पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी कविता को समझाएंगे। हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अब ये कविता आपके लिए हमने ऐसे लिखी हुई है, आप देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि इन परिस्थितियों में हो सकता है बहुत से बच्चों के पास किताबें ना हो, तो आप लोग इस कविता को ऐसे देख भी लीजिए, और इसे देखकर लिखने में भी और पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। अब हम कविता को आपको समझाना शुरू कर रहे हैं। किसी भी पाठ को या कविता को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कविता समझे होंगे तो आपको उसे याद करने में भी आसानी होती है। तो अब हम इस कविता को समझा रहे हैं, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है। हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं, नदियां, पर्वत, पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, और ये सारी प्रकृति की चीजें हमें अपने जीवन से कुछ न कुछ शिक्षा देती हैं। इनसे जो हमें चीजें मिलती हैं वो तो अलग ही, नदी से पानी मिलता है, पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलते हैं, लेकिन ये सभी चीजें हमें अपने जीवन से कुछ शिक्षा देती हैं। उसी प्रकार से हिमालय पर्वत भी हमें क्या शिक्षा देता है, वही बातें आपको इस कविता में पढ़ने को मिलेंगी। और सोहन लाल द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है इस कविता में कि हमें क्या शिक्षक हिमालय पर्वत देना चाहता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। हिमालय सदैव खड़ा रहता है, चाहे आंधी हो या पानी हो। आंधी पानी में डर के वो कभी भी क्या अपने स्थान से हट जाता है? नहीं। उसी प्रकार से हमें भी उसके जीवन से शिक्षा लेनी है, और आंधी पानी रूपी मुसीबतों का सामना, आंधी पानी हमारे जीवन में तो आते हैं, पर आंधी पानी का से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, वो मुसीबतें, वो दुख, वो परेशानियां जो हमारे जीवन में आ रही हैं, उन्हीं के उस हिमालय के समान हमको सदैव डट कर उनका सामना करना है और खड़े रहना है। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। हमको सारे संकटों में, तूफानों में अविचल होकर, स्थिर रहकर, बिना डरे खड़े रहना है, उन संकटों का सामना करना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। हमको हिमालय ये शिक्षा दे रहा है कि हमको अपने जीवन में दुख मुसीबतों से डरना नहीं है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अब हम आपको जब किसी काम को कुछ करना होता है तो आप क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं। प्रण मीन्स प्रतिज्ञा, कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नियम बना लेते हैं। आपको एग्जाम में ही सफल होना तो आप अपनी दिनचर्या बनाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सफल हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा इस बात पे? क्यों? क्योंकि वो उस जो प्रतिज्ञा ली है उस पर वो स्थिर रहते हैं, और उसी प्रतिज्ञा पर अपनी जीवनचर्या को चलते चले जाते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहते हैं, और वो बीच में थक कर हार जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और वो बाद में असफल हो जाते हैं, या उनके अंक कम आते हैं, जो भी रहा उनके जीवन में कठिनाइयां होती हैं उनका वो सामना नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से हिमालय कह रहा है कि जो तो प्रतिज्ञा आपने की है, जो प्रण लिया है, उस पर हमें अडिग रहना चाहिए, तो हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। हिमालय पर्वत आपने देखा होगा कितना ऊंचा होता है, जब आप उसको दूर से देखें तो ऐसा लगता है वो आसमान के तारे छू रहा है। तो आप अपने जीवन में भी आसमान की तारे छू सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इतने ऊंचे या लंबे हो जाएंगे कि आप आसमान की तारे छूने लगेंगे, इसका अर्थ कदापि ये नहीं है। कवि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में इतने सफल हो जाएंगे, इतनी सफलता आपके जीवन में आ जाएगी
कि आप सफलता की ऊंचाइयां छूने लगेंगे और वही आपके लिए तारों के सदृश होगा, समान होगा। तो अगर हम अपने केवल इसका मंत्र क्या है सफलता का, परिश्रम, और अपने परिश्रम के बाद अपने दृढ़ निश्चय पर हमेशा दृढ़ रहना, जो प्रतिज्ञा हमने ली है उस पर दृढ़ रहना, तभी हम सफल हो सकते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आए, लाखों मुसीबत, सिर्फ एक ही संकट का सामना नहीं हो सकता आपके जीवन में, बहुत सारी मुसीबतें रास्ते में आती हैं, लेकिन जो अपने रास्ते पे अचल रहता है, स्थिर रहता है, वही जीवन में व्यक्ति सफल होता है। लास्ट की दो लाइनों में बताया भी गया है, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, उसी व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती। जग मीन्स संसार, संसार में उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है, वो जीते जी सफल होके अमर हो जाता है, नाम अपना अमर कर लेता है, और मरने के बाद भी वो व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके काम हमेशा अमर रहते हैं और उसके काम उसको हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर रहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी का आप ले सकते हैं। महात्मा गांधी को मरे हुए कितने साल हो चुके हैं, 1948 में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आज की पीढ़ी भी उनको याद करती है, उनके कामों को याद करती है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो भारत देश को आजाद कराएंगे और उस प्रतिज्ञा पर वो हमेशा अटल रहे, दृढ़ रहे, और उन्होंने इस काम में सफलता पाई। और आज वो अपने जीते जी तो सफल रहे ही और मरने के बाद भी वो बहुतों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक पर्वत हिमालय हमको ऐसी शिक्षा दे रहा है, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता में बताया है। अब किसी भी पाठ या कविता को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, वही उसका जीवन मूल्य होता है, जिसको आप मॉरल वैल्यू भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इस कविता से हमको ये जीवन सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संकट का सामना करता है वही जीवन में सफल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने शुरू में आपको कविता ऐसे दिखाई भी थी, एक बार फिर से देख सकते हैं, और इसको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा है इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। कविता, कविता का नाम कविता, उसके बाद कवि का नाम जीवन मूल्य। कहीं पे भी क्लास 4 आपने अभी पेन से लिखना शुरू किया है, आप कहीं पर भी ब्लैक पेन का प्रयोग ना करें, आपकी राइटिंग खराब होगी बार बार पेन बदलने से, आप ब्लू पेन से, और जरूरी नहीं है कि आप ये नई कॉपी में ही करें, किसी भी रफ कॉपी में ये काम आप नोट्स बनाकर लिख सकते हैं और इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए शब्द अर्थ भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको लिखने हैं। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ आप जानते हैं, वर्ड मीनिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पहला वर्ड है अविचल, जिसका अर्थ है बिना हिले। दूसरा वर्ड है संकट, और इसका अर्थ होता है परेशान। तीसरा शब्द है डिगना, और इसका अर्थ है विचलित होना। चौथा शब्द है प्रण, प्रतिज्ञा, जिसका अर्थ है, और इसके बाद है नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। अचल, स्थिर, और सेवेंथ और लास्ट वर्ड है पथ, रास्ता। ये आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसके बाद हमने विलोम शब्द आपके लिए लिख लिए हैं। विलोम शब्द, जिसे आप उल्टे अर्थ वाले शब्द या इंग्लिश में आप ऑपोजिट्स या एंटोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। पहला शब्द है ऊंचा, तो उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नीचा। सेकेंड वर्ड है खड़ा, बैठा। उसके बाद थर्ड वर्ड है डर, उसका उल्टा अर्थ है निडर। फोर्थ वर्ड है सफलता, उसका विपरीतार्थक शब्द है असफलता। फिफ्थ वर्ड है जीना, और उसका विपरीतार्थक शब्द है मरना। इसके बाद हमने आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए भी लिख लिए हैं। आप इसको देखकर अपने, आपके मोबाइल में ये वीडियो होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आप अपना काम कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में तूफानों में किस प्रकार खड़े होने की बात
कही गई है? इसका उत्तर है कविता में तूफानों में अविचल खड़े होने की बात कही गई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ऊंचा उठकर क्या करने को कहा गया है? तो इसका उत्तर है ऊंचा उठकर नभ के तारे छूने को कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है संसार में सफलता किसको मिलती है? तो इसका आंसर है जो व्यक्ति मुसीबत में भी अपने मार्ग पर बिना डरे डटा रहता है उसे ही संसार में सफलता मिलती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम प्रश्न हिमालय क्या क्या संदेश दे रहा है? तो वो संदेश को आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर हमने लिख दिया है हिमालय हमें संदेश दे रहा है कि हमें अपने जीवन में दुखों एवं परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य के पथ से न हटे तो सफलता हमें प्राप्त होती है। तो ये सारा काम इसी तरह से आप किसी भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कविता, और लिखने के बाद कविता को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जितना भी काम आपको दिया है अच्छे से पढ़ के तैयार रखिएगा। थैंक यू।